हेलो एंड वेलकम टू आईएनडी लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां हम फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स को एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे एंड वेयर यू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। इस कोर्स में वी विल लर्न अबाउट ग्रोइंग मनी। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का 5th और लास्ट चैप्टर है, तो अगर आपने फर्स्ट 4 चैप्टर्स की वीडियोज नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से उन वीडियोज को चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के एंड तक आपको इन्फ्लेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन ग्रोइंग मनी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और रिस्क रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री। सो लेट्स बिगिन विद द 5th चैप्टर, रिस्क एंड रिटर्न। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, रिस्क एंड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हर कोई मैक्सिमम रिटर्न्स चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रिटर्न्स के साथ रिस्क भी जुड़ा होता है? तो आज हम आपको बताएंगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क और कैसे डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट के प्रिंसिपल से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। पर इससे पहले आप इन्वेस्टिंग के रिस्क और रिटर्न्स को समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टिंग के डिफरेंट एवेन्यूज को समझें, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के रिस्क अलग होते हैं। तो आप बेसिक्स ऑफ मनी कोर्स के 5th और आखिरी चैप्टर बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग की वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए बिना और इंतजार के शुरू करते हैं। अब हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क ज्यादा होता है और कुछ में कम। फिक्स डिपॉजिट्स की अगर बात की जाए तो उनमें रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न्स भी कम होते हैं। वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही मॉडरेट रहता है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक्स और इक्विटी, उनका रिस्क जरूर हाई होता है पर वक्त के साथ उनके रिटर्न्स की हाई होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और फिर कम्स रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में रिस्क और रिटर्न्स दोनों का लेवल हाई होता है। पर हम इन सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के रिस्क को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? व्हाई नॉट जस्ट डिस्कस वन? वेल, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टिंग का। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट प्रिंसिपल यही एक्सप्लेन करता है कि अपने सारे पैसे एक ही जगह ना पार्क करें। इसका मतलब है कि अपने सारा पैसा एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ना लगाएं, बल्कि अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। इससे अगर एक इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है तो दूसरे इन्वेस्टमेंट से आप उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। इससे हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। तो चलिए कुछ तरीके देखते हैं जिससे आप रिस्क कम कर सकते हैं और रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आता है डाइवर्सिफिकेशन। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करें, जैसे FDs, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट। इससे रिस्क कम होता है और रिटर्न स्टेबल रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट कम होता है और रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। इससे आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सही इन्वेस्टमेंट्स चूज कर सकते हैं। एंड दिस इज इट, कंग्रेचुलेशंस, आपने ग्रोइंग मनी कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। फ्रॉम इन्फ्लेशन टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू इन्वेस्टिंग रिस्क्स, वी हैव कवर्ड अ लॉट इन दिस कोर्स। डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड लिंक से आईएनडी मनी ऐप पर जाकर आप इस कोर्स की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं एकदम फ्री में। इसके लिए आपको आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करना है और आईएनडी लर्न पर जाकर ग्रोइंग मनी कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। आईएनडी लर्न एक बहुत ही रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आईएनडी मनी ऐप पर ही फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है। एंड यू कैन कंप्लीट मोर ऑफ सच फ्री फाइनेंशियल कोर्सेज बाय सिंपली डाउनलोडिंग द ऐप। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर सच फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट कोर्स
बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जहां वी विल डिस्कस द बेसिक्स ऑफ गोल सेटिंग, रिस्क प्रोफाइल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स और नेटवर्थ के बारे में. सो सी यू इन द नेक्स्ट वन.